जय दोस्तों, जय मकल। स्वागत क्षत्रिय परिणाम के अगले अभ्यास में आपका स्वागत है। दोस्तों, कई रिक्वेस्ट आ रही थी कि मुद्गर एक्सरसाइज के बारे में उसका बेसिक नॉलेज दीजिए, तो जो बिगिनर्स है खास तौर से उनके लिए आज का ये वीडियो। आज हम जानेंगे क्षत्रिय परिणाम का अभ्यास, श्वास कैसा लेना कैसा छोड़ना, मुद्गर घुमाते वक्त यानी मुद्गर अभ्यास करते वक्त, और बेसिक यानी जिसके पास इसको जीरो नॉलेज है, मुद्गर कैसा उठा के उसको अभ्यास कैसा करना, कम वजन से लेके भारी वजन तक का मुद्गर आसानी से कैसे उठाना, आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। स्टार्टिंग में इसका अभ्यास मामूली सा, या तो आप समतोला मुखी या तो आप ऐसे मुद्गर भी ले सकते हैं, लेके आपको कलाइयों को ट्विस्ट करना है, जिससे आपके अंदर आपके फोरआर्म्स में जान आना शुरू होंगी और आपकी कलाएँ मजबूत होती रहेंगी। या तो समतोला मुखी या तो फिर मुद्गर से भी आप इसको छोटे से मुद्गर से भी इसका अभ्यास कर सकते हैं। इसके बाद में उसको सामने पकड़ के पलटाना है कुछ इस तरह से, फिर साइड में आपके शोल्डर में, आपकी कलाइयों में, आपके फोरआर्म्स में अच्छे से ताकत आने के बाद ही आप मुद्गर के अभ्यास की ओर जाइए। दूसरा अभ्यास दोस्तों, इसके अंदर आपका शोल्डर एकदम फ्री हो जाएगा, इसको आप गोल गोल घुमाना है, हाथ अपना चेंज करते जाना है, इसको घुमाते घुमाते थोड़ा ऐसा भी उठा सकते हैं। दूसरा अभ्यास, ये थोड़ा कठिन अभ्यास दोस्तों, जिसके अंदर आपको मुद्गर पकड़ के दोनों तरफ घुमाना है, झुकाना है, ताकि आपके हाथों के अंदर बहुत सारी ज़्यादा जान आ जाए। एक और अभ्यास इसका और थोड़ा कठिन दोस्तों, जिसके अंदर आपको मुद्गर पकड़ के हाथ सीधे करके ये करना है, आपके कंधे तक लाना है, ये थोड़ा और कठिन अभ्यास। इसके बाद में आपके हाथों में ताकत आने के लिए आप डंड लगा सकते हैं, जैसे कि 5-5 डंड लगा के बताओ। मुद्गर का अगर आपको भरपूर आनंद लेना है दोस्तों, तो आपको डंड लगाना जरूरी है। मुद्गर का इतना ज़बरदस्त रिजल्ट आपको देखने मिलेगा डंड लगाने के बाद, कि आप आश्चर्यजनक, कि आप खुद पर विश्वास नहीं कर सकेंगे। डंड लगाने के बाद बढ़ते हैं मुद्गर अभ्यास की ओर। जो बहुत ही स्टार्टिंग में है उसको ये इस अभ्यास को वो लोग दो हाथ से भी कर सकते हैं, और जिनके पास थोड़ा बहुत ताकत है उसके एक हाथ से भी कर सकते हैं। एक हाथ से करके बताओ, ये देखिए दोस्तों, सीधा आपके डंड के ऊपर यानी बाजू के ऊपर ये हो गया। इसके बाद आपको घुमाना है मुद्गर दोस्तों। ये मुद्गर का एक ही स्टेप जो कि कहीं बहुत ज़्यादा फेमस है। अब इसके अंदर क्षत्रिय परिणाम कैसे करना, अपन सीधा रुको, जब इसको पकड़ रहे, पकड़ने के बाद जब ये पीछे जाते रहता तो आपको गहरी सांस खींचना है, आपकी फसलियों को इतना तनाना है यानी इतनी अच्छी सी हवा भरना है कि आपके रिब केज के अंदर, आपके लंग्स के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा हवा जाने के बाद वो संपूर्ण भस्त्रिका का रूप ले लें। और बताओ, जोर से सांस खींचना है आपको, और इसके अंदर सामने लाने के बाद आप रोक के कुंभक भी लगा सकते हैं, जैसे कि खींचे सामने ला के कुंभक होल्ड। देखिए दोस्तों, भस्त्रिका खींचने के बाद सामने ला के कुंभक, जल्दबाजी नहीं, एकदम आराम आराम से। अच्छा, अभी थोड़ा हेवी मुद्गर के ऊपर जाएंगे अपन, एग्जांपल के लिए छोटे लेके बताता हूँ पहले। जोड़ी अभ्यास के अंदर, जोड़ी यानी दो मुद्गर के अभ्यास के अंदर ताकत और थोड़ी ज़्यादा लगती है, जिसके अंदर आपको स्टार्टिंग में, शुरुआत में आपके कंधों से अगर नहीं उठ रहा हो, आपको कंधे पे लेके लगाना है, लगाने के बाद ऐसा उठा के इधर होल्ड करके बैलेंसिंग करना है। ये बैलेंसिंग करते करते आप इसको ऐसे भी लेकर जा सकते हैं, ये सिर्फ ताकत बढ़ाने के लिए यह है। फिर ये वापस पीछे, फिर ये सामने लाए, फिर साइड में, मिल गया साइड में, मिल गया, फिर ये वापस इधर, इससे आपको अच्छी खासी जान आ जाएंगी हाथों में बड़े हेवी मुद्गर उठाने के लिए। इस अभ्यास को और कठिन करने के लिए उठा के उसको खोलना है हाथों को, दोनों हाथों को ज्यादा भार आपके ट्रैप्स पे और आपके शोल्डर्स पे गिरेगा दोस्तों, जितनी आपकी क्षमता उतना इसका अभ्यास।
200, ये थोड़ा भारी मुर्गर जिसके अंदर आपको करना है भस्त्रिका। देखिए आप लेके खाली गोल 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 घुमाएंगे तो आपको इसका कुछ भी बेनिफिट नहीं मिलेगा। ध्यान रखिए आपकी स्वास्थ्य के ऊपर, जितना आप ध्यान रखेंगे उतना ही आपको मुर्गर का संपूर्ण लाभ मिलेगा। आपकी ताकत बढ़ेंगी, कई सारे रोगों से इससे मुक्ति मिलेंगी, और जिनके लंग्स सिकुड़ जाते हैं यानी थोड़ा बहुत भी चलने के बाद जिसको थकान हो जाती, और जो ऑफिस वर्क करते हैं ज़्यादा, उनके लिए बहुत ही ज़बरदस्त अभ्यास ये। तो दोस्तों हम चाहते हैं कि हिंदुस्तान में कोई भी कमज़ोर नहीं रहा, हर कोई बलवान रहना। आज मुद्गर का अभ्यास बाहर देशों में इंडियन क्लब लेवल के निकाला गया है, इसे वापस से हमारे हिंदुस्तानी सभ्यता में वापस से इसको प्रोत्साहन देने के लिए आप लोगों का सहयोग हमारे को ऐसे ही बनाते रहिए, ऐसे ही हमें सपोर्ट करते रहिए। जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय महाकाल।